तुम सत श्री अकाल केम छो। मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से ए प्लस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ था रिवीजन क्लास क्लास 10th के लिए। ठीक है, अब आने वाले हम 20-30 दिन में 20 से 30 डेज में हम आपकी टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक एक इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी हम लेके चलेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 कम से कम भी 8 से 9 नंबर का रहता है पेपर में। चैप्टर 1 8 से 9 नंबर का रहता है पेपर में, बिल्कुल आसान, आप बिल्कुल एक 5 से 10 मिनट में पेपर में 8 से 9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पहले से उस चीज़ की तैयारी कर रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, तो हम चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का हमारा। ठीक है, फाइंड एच सी एफ ऑफ, बड़ा आसान आसान करेंगे। ठीक है, फाइंड एच सी एफ ऑफ, पहला पार्ट दे रखा है हमको 135 और 225, 135 एंड 225 का एच सी एफ निकालना हमको। क्या करना है एच सी एफ, सबसे पहले तो हमको पता चलना होना चाहिए एच सी एफ का मतलब क्या होता है। एच सी एफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ लोग इसको मल्टीपल भी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर में मौजूद हो वो क्या कहलाई जाती है, हमारी एच सी एफ कहलाई जाती है। तो देखो कुछ नहीं करना, अब की बार तो हमारे सिलेबस से EDL कट गया, नहीं तो EDL से करते थे हम ऐसे ऐसे सवालों को, पेपर में 3 नंबर का देखने को मिलता था, पर अब की बार ये क्वेश्चन श्रिंक हो गया है 2 नंबर में, तो EDL से नहीं करना है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। ठीक है, LCM वाले मेथड से। तो हमने 2 नंबरों को ऐसे लिखना है, पहला नंबर 135, तो देखो ये हमको 5 से कटते हुए देख रहा है, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35, बिल्कुल ठीक बात है। फिर 3 × 3 = 27, 3 × 9 = 27, फिर 3 के टेबल से फिर से दोबारा, तो 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 1 = 3। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 135 को, किसमें टूटा है हमारा, 5 × 3 × 3 × 3, तो 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 5। अब दूसरा नंबर आ गया 225 का, क्या आ गया 225 का 225, तो 5 से दिख रहा है हमको जाता हुआ, 5 × 4 = 22 कह रहे हैं, 2 × 5 = 25, फिर से 5 × 9 = 45, फिर से 3 से, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 3, तो 2 3 आ रहे हैं और 2 5 आ रहे हैं। तो हमने लिख लिया 225 को कैसे, 2 3 से और 2 5 से। हमको लगाना है गोला, क्या लगाना है हमको, गोला लगाना, तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उस पर गोला लगाएंगे। यहाँ से 3 आ रहा है एक तो, और एक ये आखिरी वाला 5 भी आ रहा है, तो हम अगर इसमें एच सी एफ निकाल लें तो एक तो 3 आ रहा है और एक फिर से 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो 9 × 5, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में अगर ऐसा कोई भी सवाल आए जहाँ 2 नंबर दे रखे हो और एच सी एफ पूछ रहा हो तो इसी मेथड का इस्तेमाल करना है, सिर्फ ये एक ही मेथड बच गया है हमारे पास इस साल कोरोना की वजह से, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। ठीक है, 3 × 3 × 5 = 45 हमारा इस सवाल का सही जवाब है। तो चलो ऐसा ही एक और करते करके देखते हैं हम। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अब आने वाले 20 से 25 दिन में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं पिछले 4-5 सालों में कि कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ गया जो मैंने ना करा रखा हो। ठीक है, क्लासेस में आज कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता है तो भी वो मेरा कराया हुआ ही आता है। ठीक है, हम पहले ही करे रखते हैं उसको। ठीक है, तो एक एक सवाल को बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं हमको। देखो इसका दूसरा पार्ट कह रहा है हमसे, एक सवाल समझ लेना है फिर दूसरा बड़े आसानी से हो जाएगा। 32 and 616, 32 and 616, 616 का निकालना। तो सबसे पहले तो हम 32 का निकाल देते हैं,
इसका निकाल देते हैं जी। तो 2 से 2 16 दूनी 32 होता है, 2 8 जा 16। फिर हम इस सवाल को, जो पेपर में सवाल आता है इससे बहुत अच्छा आने लगा है आजकल, XYZ में, वो भी करेंगे अभी हम। 2 फिर 2 चौक 8, 2 4 जा 8 2 2 जा 4, और यहाँ से 2 1 जा 2। हम 616 का भी ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं, एंड को हटा देते हैं, 32 को भी हटा देते हैं, ठीक है जी। 2 के पहाड़े से जा रहे हैं, 2 3 जा 6, ना जाने का 0, 2 8 जा 16। 2 से 15 पे, 2 चौक 8, फिर जा रहा है ये किससे, 7 से जा रहे, शायद 7 दूनी 14, और एक रह गया 7 दूनी, फिर से वे जा रहा है 2 से, तो 2 11 पे और 11 पे 1 पे, ठीक है जी। तो 616 तो हमारा देखो क्या बना है, 2 2 2 7 और 11, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 11 बना है हमारा, ठीक है। और 32 क्या बना है हमारा, 32 तो इधर करके लिख देते हैं, तो 32 हमारे पास क्या बना है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना ना, तो अब गोला लगाएंगे तो ये यहाँ पे मिल गया एक जैसा, ये फिर से 2 आ गया, फिर से 2 आ गया, अब और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका HCF लिखेंगे हम कैसे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार आ रहे हैं, तो 2 की घात 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है हमारे पास, 8 होता है, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई को 2 2 जा 4 2 जा 8 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो लिखो एक बार इस सवाल का फटाफट करके देखो, फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमने कर लिया 2 नंबर का HCF निकालने का मेथड। ठीक है जी, चलो अभी एक ही इसी जैसे एक एक्स्ट्रा सवाल करा देते हैं जो यहाँ से ही आता है, ठीक है। देखो कैसे आने लगा है, इफ 2 नंबर्स ए एंड बी आर सच डेट, 2 नंबर ए और बी इस तरह से लिखे गई हैं कि ए क्या है, पी का स्क्वेयर क्यू की पावर 4, एंड बी इज इक्वल टू पी की पावर 3 क्यू की स्क्वेयर, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, पी और क्यू क्या है हमारे यहाँ पे, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन, बस इसमें एक मेथड ध्यान रखना है, ये सवाल हमेशा 1 नंबर में ही देखने को मिलेगा, कभी भी 2 नंबर में ही देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आजकल ये सवाल ट्रेंडिंग में चल रहा है थोड़ा सा, हर क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिलता है। देखो दोनों नंबरों को यहाँ लिख लेना है, 2 तरीके से बताऊँगा मैं इस सवाल को, तो दोनों तरीके से देख लेना आप, जो सा आपको अच्छा लगे, पी का स्क्वेयर क्योंकि पावर 4, तो तुमको दूसरा ही तरीका अच्छा लगेगा देखना। पहले मैं पहले वाले तरीके से बता देता हूँ जो हमने अभी अभी सीखा है, पी की 3 क्यू का स्क्वेयर क्या है, पी की 3 क्यू का स्क्वेयर, तो हम मेथड 1 से कर रहे हैं इस सवाल को अभी, M1 से। देखो पी 2 बार लिखा है तो पी गुना पी, फिर क्यू 4 बार गुना हो रहा है, क्यू गुना 3 बार हो गए और 1 बार और बच गया। हम यहाँ पे पी 3 बार लिखा है, 1 2 3, क्यू कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, पावर 2 है ना, तो क्यू गुना क्यू, फिर से हम वो गोले लगाते हैं जब हम HCF निकालते हैं, तो इसमें कह रहा है यहाँ लिख लेना को, फाइंड फाइंड HCF ऑफ ए कॉमा बी इफ 2 नंबर्स ए एंड बी आर सच डेट दिस एंड दिस। तो पी आ गया, एक और पी मिला हमको यहाँ पे, अब ये क्यू मिल रहा है एक यहाँ पे लास्ट से, और एक क्यू यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इसका HCF क्या बनेगा हमारे पास, HCF ऑफ ए कॉमा बी, पी 2 बार आ रहा है तो पी गुना पी,
क्यों कितनी बार आ रहा है, क्यों भी हमारा 2 बार ही आ रहा है, क्यों गुना क्यों, तो पी 2 बार आ रहा है, तो पी की पावर 2 गुना क्यों की पावर 2। जैसे सवाल दे रखा था ऐसे पावर में ऐसे हमको आंसर निकालना होता है, ठीक है। लिखो 1 मिनट इसको जल्दी फटाफट से, फिर हम अगला इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं जो हमको पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो चलो एक बार इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं जिससे कि हमको पेपर में करना है। ये तो हमको आता ही है, ठीक है, ये तो याद आएगा ही आएगा, ऐसे करेंगे तो बस ये 2 ही नंबर लिखे रहने देते हैं अभी हम, ए और बी। मेथड 2 कर रहे हैं हम इसमें, देखो मेथड 2 जब भी हो जाएगा कैसे जब भी, ठीक है। इसमें मैं एलसीएम लेना भी सिखाऊंगा, एलसीएम भी पूछ लेते हैं कई बार। तो देखो जब हम क्या निकाल रहे हैं, एच सी एफ, क्या निकाल रहे हैं एच सी एफ, क्या निकाल रहे हैं एच सी एफ। तो इसमें देखना है जो प्राइम फैक्टर दे रखे हैं ना हमको, प्राइम फैक्टर्स, इसकी क्या देखनी है, लिस्ट पावर, क्या देखनी है, लिस्ट पावर, यानी कि वो सबसे छोटी से छोटी पावर या सबसे छोटी से छोटी, हिंदी में बोलते हैं घात, सबसे छोटे घात को ढूंढना है इसमें। देखो यहाँ पे पी का स्क्वेयर और यहाँ पे क्यू की 3 है, तो 2 छोटी है या 3 छोटी है, तो कितने, 2 छोटी है, तो पी की 2। ऐसे क्यू में क्यू की यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, 4 छोटी 2 छोटी, तो यहाँ पे 2 छोटी, तो क्यू की 2 आ जाएगा इसके साथ। और देखो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले इतने बड़े मेथड से करा था तो यही आंसर आया था हमारा, पी का स्क्वेयर क्यू का स्क्वेयर, ठीक है जी। तो देखो मेरे को भी लग रहा है आप इसी से करोगे, ठीक है, तो इसी से करना है पेपर में, टाइम भी बचेगा हमको, टाइम बहुत बचाना है पेपर में, ठीक है। तो देखो इसी सवाल में अब मैं एचसीएफ एलसीएम भी लेना सिखाता हूँ ऐसे शॉर्ट मेथड से, एलसीएम 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 क्या होता है, जो हमारे पास प्राइम नंबर्स दे रखे होते हैं, क्या प्राइम नंबर्स, तो उनकी क्या देख लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। एलसीएम निकालते वक्त हम क्या करेंगे, उसकी हाईएस्ट पावर देख लेंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, बस कहानी खत्म। तो एलसीएम क्या बनेगा हमारा, ए कोमा बी का, पी की 2 बड़ी है या पी की 3 बड़ी है, तो पी की 3 बड़ी है, तो यहाँ की पी की पावर 3 आ गई, क्यू की पावर 4 है और क्यू की पावर 2 है, तो 4 बड़ी लग रही है मेरे को भी शायद, तो क्यू की पावर 4, यही हमारे इस सवाल का क्या है सही जवाब। देखो एक ही लाइन में आंसर निकालना है हमको, क्योंकि वहाँ पे एक नंबर का सवाल आता है, चाहे तो एमसीक्यू में मौजूद रहता है, नहीं तो एक नंबर का डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछे तो भी आंसर लिखना है, एमसीक्यू पूछे तो भी एमसीक्यू में ही मौजूद रहेगा कहीं ना कहीं, ए बी सी ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो ये थे हमारे आज का दूसरा सवाल, लिखो एक बार इस मेथड को, ठीक है, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने बेशक से अभी तैयारी शुरू ना करी हो, ठीक है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे इनमें हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के। अब एक वर्ड तुम देख रहे होगे, मैं यहाँ पे प्राइम नंबर लिख रहा हूँ बार बार, क्या लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर, तो इसका मतलब भी समझ लो, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में, जो सिर्फ अपनी टेबल में ही आते हों, 2, 3, 4, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है, क्या होता है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ये चलते जाते हैं, 31 ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। तो हमको 30 तक तो पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है जी। तो लिखो इनको, तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है एक्सप्रेस ईच नंबर, आज की क्लास का सवाल नंबर 2 हमारा एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम, यानी किसको प्राइम नंबर में हमको तोड़ना है, किसमें इसके फैक्टर्स करने हैं जो कि प्राइम में ही आते हैं। तो देखो पहला लिखते हैं हम, पहला है हमारे पास 140, क्या दे रखा है 140, तो कुछ नहीं करना है हमको, 140 का क्या ले देना है एलसीएम ले देना है। एलसीएम लेना तो सभी को आता है, छठी क्लास से सीखने लग जाते हैं हम एलसीएम, छठी से भी क्या तीसरी चौथी में ही सिखा देते हैं आज तो 2 से, वो छोटी से छोटी पा टेबल से ही करना है सबसे पहले, ठीक है। 2 7 14 बची हुई जीरो चिपका दी हमने, तो 2 से 2 3 6 तो 2 5 10। अब 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 तो 1 से जाएगा ही जाएगा। तो ये नंबर यहाँ लिखने हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, एक को हम कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ प्राइम नंबर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, उसको पावर की फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। अब 5 एक बार आ रहा है तो 1 लिखो या ना लिखो, ऐसे ही 7 भी एक बार आ रहा है। तो देखो 2 5 और 7 हमारे क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हमने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया है, तो मैं सोचता हूँ कि ये समझ आ गया होगा आपको, तो बहुत आसान है, ठीक है। एक हम करते हैं इसका मुश्किल वाला, ठीक है, जो पेपर में पूछता है, बाकी तुम कर लोगे, सिर्फ मैं मुश्किल वाला करा रहा हूँ, ठीक है। 7 4 2 9, 7 4 2 9 पेपर में आ जाता है तो हो नहीं पाता है तुमसे, ठीक है। अभी भी करके देख लो, बेशक से हो नहीं पाएगा जब तक इसकी हमको ट्रिक ना पता हो कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका हमको कुछ एलसीएम नहीं लेना है, क्या कुछ भी नहीं लेना, सीधा आंसर लिखना है। कैसे, हमको तो प्राइम में ही नहीं छोड़ना है अभी हमको, तो देखो और आंसर कैसे लिखेंगे एक बार इधर भी देख लेना, ठीक है। तो देखो 7 है, क्या है आगे 7 है, तो 7 से बनाना है हमको 17, क्या बनाना है 7 से 17 की टेबल में ये आता है ये नंबर, ठीक है। ऐसे आगे वाला नंबर लिख दिया, और पीछे पीछे 9 लिखा है तो 9 से बनेगा 19, 9 से 19, ठीक है। फिर ये काट दिया, ये काट दिया, अब इस पे आ गए तो 2 से क्या बन रहा है हमारा, 2 से बन रहा है हमारा 23, क्या बन रहा है 2 से बन रहा है हमारा 23। ये इसको याद करने की थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है। इस सवाल को अगर पेपर में आ जाता है तो ऐसे ही इसका उत्तर आप लिखें, 7 से 17, 9 से 19, 2 से 23, ठीक है जी। लिखो इसको फटाफट कॉपी में, नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आज अभी हम 5 सवाल करेंगे हर वीडियो में, ठीक है। आज वाली वीडियो में तो 5 ही हैं, कल बढ़ सकते हैं अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट दूसरे बच्चों से पहले वो देख के, स्कूल में टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो तो उसमें अटेम्प्ट करवाए क्वेश्चन और पूरे नंबर ले सकें वो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का हमारा, सवाल नंबर 3, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन इन द वर्ल्ड, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वक्त बदलता है, एक दिन बदलेगा हमारा भी, ठीक है। पूरी तो ये ऐसे है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, ठीक है, याद आ गया यार का। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड, ये पेपर, ये सवाल पेपर में बहुत आता है ये, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप
बिटवीन द नंबर्स बाय, एक फॉर्मूला भी आता है ध्यान करना है हमको यहाँ पे, कि जो एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये एलसीएम, ये वाला फार्मूला हमको ध्यान रखना चाहिए, पेपर में दे या ना दे इससे सवाल निकलवाता है, ठीक है। तो देखो सवाल दे रखा है हमको क्या, 26 और 91, 26 एंड 91। देखो सबसे पहले तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और हम इधर प्रोडक्ट निकालेंगे नंबर्स का। कई बार लिख देते इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और कई बार लिख देते हम इसको फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है जी। आगे बात समझ में, तो चलो 26 गुना 91। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 26 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, लिया जी। तो 2 से 1 3, और 13 तो हमको प्राइम नंबर मिल गया, ठीक है। तो 13 की टेबल से ही जाएगा, तो 13 बन जा 13, कहानी ख़त्म हो गई। अब 91 का, तो 91 का, तो 91 को कर रहे हैं तो ये तो 13 के टेबल में आता है, तो क्या होता है 13 7 91 होता है, 13 7 जा 91, तो 7 तो प्राइम है ही, तो 7 बन जा 7। तो हमने 26 को तोड़ा जी, 26 टूट के क्या बन गया, 2 गुना 13। 91 को तोड़ा हमने तो 91 बना था 7 गुना 13। तो देखो यहाँ से जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में जो चीज़ कॉमन होती है उसको तो एक बार लिखते हैं, क्या जो चीज़ कॉमन होती है उसको तो एक बार लिखते हैं और बची हुई चीज़ों को उसके साथ गुना करा देते हैं। तो 13 कॉमन है दोनों में, 13 को एक बार लिखेंगे, बच गया क्या 2 और बच गया क्या 7। तो 13 दूनी 26 और 7, तो क्या बन गया, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 182 क्या बन गया, 182 बन गया ये हमारे पास। अब निकाल लेंगे हम एच सी एफ, क्या निकाल लेंगे एच सी एफ, एच सी एफ तो मैंने बता रखा है जो एक जो गोला बनता है वही होता है। तो क्या है ये 13, क्या है ये सिर्फ 13। एक बार सवाल को मिटा दे, अब हम सवाल की अब कोई आवश्यकता नहीं है हमको, ठीक है। तो ये एल सी एम एच सी एफ निकाल दिया पहली बात तो हमको, ठीक है। तो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब क्या निकाल दिया, एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो एल सी एम इंटू एच सी एफ कुछ नहीं करना, सिर्फ जो लिखा है अपना दिमाग का प्लीज़ उपयोग ना करें मैथ करते वक्त, मैं ही कहता हूँ। जो लिखा हुआ दिखता है बस उसमें वैल्यू पुट करके हमको आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो एलसीएम निकाला कितना हमने, 182, क्या निकाला 182 गुना 13। अब 182 की 13 से गुना करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 3 दूनी 6 8 3 24, 3 एकम 3 और 2 5, 182 6 6 8 5 13, तो 2 3 6 6, क्या आ गया हमारे पास 2 3 6 6, 23 66, 23 into 66। चलो इतना तो पार्ट हमने कर दिया, करते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट, पहला नंबर 26 दे रखा है, दूसरा नंबर 91 दे रखा है, क्या 26 और 91। तो 26 की गुना कराते हैं 91 से, तो क्या आ गया 6 2 आ गया, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 5 8 8 5 23, तो 6 3 2 6, तो 2 3 6 6 क्या आ गया ये भी हमारे पास, ये भी क्या आ गया 2 3 6 6। तो देखो ये वेरीफाई हो गया यहाँ से, ये दोनों चीज़ें क्या आ गई है सेम आ रही, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख देंगे फिर करके, कि दीज इम्प्लाइज एल सी एम गुना एच सी एफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फिर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, आपकी बहुत बेहतरीन लाइन, जो कि अगर सवाल गलत भी हो तो भी तुम लिख के आते हो, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, तुम सोचते हो टीचर इसको देख के नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये सवाल पेपर में बहुत बार आता है ऐसा, ठीक है। तो लिखो इसको फटाफट, फिर हम इसी का दूसरा पार्ट भी करके देखेंगे अभी।
कर लिया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड दी, हमने एक नंबर का सीख लिया, दो नंबर का सीख लिया, आप सीख रहे हैं 3 नंबर में हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं अभी तो, ठीक है आगे। अभी तुमको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की, कि तुमने पढ़ना लिखना तो छोड़ दिया बिल्कुल, घर जाते तो किताब ऐसे फेंक देते हो, है ना। चलो भाई कल ही उठाएंगे, स्कूल में जाएंगे तो देखो नंबर्स दे रखे हमको 12, 15 और 21। नंबर क्या दे रखे हमको, एक 12 है, एक 15 है और एक 21 है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करते हम, एलसीएम ले लेते हैं सीधा। क्या लिखते हैं यहाँ पे, 12 का एलसीएम लिया हमने, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो यहाँ तो हम 12 का लिख रहे हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 3। अब प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब आई बात 15 की, 15 तो बहुत आसान है, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, तो 3 गुना 5, 15 का क्या आ गया, 3 गुना 5। बढ़े हम 21 की तरफ, तो 21 आता है 3 के टेबल से, 3 7 21 और 7 तो 1 से ही आता है, तो 3 गुना 7, तो 21 क्या आया, 3 गुना 7। देखो सारे प्राइम फैक्टर में लिखे हैं, 3 7 3 5 3 2। ठीक है जी, तो अब हम निकालते हैं एच सी एफ। तो देखो एच सी एफ तो बहुत आसान होता है, तीनों में जो कॉमन आते हैं, यहाँ से 3 मिल रहे हैं, यहाँ से भी 3 मिल रहे हैं और यहाँ से भी 3 मिल रहे हैं, तो 3 आ गया एच सी एफ। तो अब हम निकाल रहे हैं एल सी एम। क्या निकाल रहे हैं हम, एल सी एम। एल सी एम मैंने बताया जो चीज़ कॉमन आती है उसको तो एक बार लिखना है, तो 3 को तो एक बार लिखेंगे, गुना यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 लिखेंगे, बचा हुआ चलो 5 बच गया और 7 बच गया, 5 और 7, तो 2 2 जा 4 होता है, और 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 400, 67 जा 42 और बचा हुआ 0। तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ से, देखो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और एचसीएल भी निकाल लिया, 3 और 420। ठीक है, तो ये तो था हमारा 3 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। लिखो इसको फटाफट कॉपी में, बड़ा आसान है। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वी आर जस्ट 2 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम टुडेज एंडिंग। लिखो इसी में लिखाना है कि एलसीएम निकालो। चलो एलसीएम निकाल लो कि नहीं, 3 नंबर्स का, और 3 नंबर्स हैं ये 17 23 और 29। चलो तुम निकाल के देखो एक बारी, ठीक है 1 मिनट का टाइम है, निकालो फटाफट, मैंने भी निकलवा रहा हूँ अभी, देखना। तो देखो निकल गए तो वेल एंड गुड है, नहीं निकल रहे तो यहाँ पे देखो हम इस सवाल का सीधा डायरेक्ट आंसर ही याद रखते हैं। देखो डायरेक्ट आंसर कैसे है, 17 तो 17 के टेबल में आते हैं, 23 भी 23 के टेबल में आते हैं और 29 भी 29 के टेबल में, पहले ही प्राइम में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इनका एच सी एफ तो 1 आएगा, है ना, एच सी एफ तो 1 आएगा, क्योंकि ना ही इसमें कुछ कॉमन, ना इसमें कुछ कॉमन, ना इसमें कुछ कॉमन है, तो एच सी एफ तो 1 आएगा डायरेक्ट। हाँ पेपर में कई बार पूछ भी ले तो इसका एच सी एफ तो 1 लिखना है। अब एल सी एम, तो एल सी एम का भी हम कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट, देखो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब, है ना, क्योंकि प्राइम में लिखे हैं तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करे कौन, पहले इसको इससे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे करना पड़ेगा। तो टाइम बचाने के लिए देखो इसके आगे 1 लिखा है, और ये नंबर है कितने, दो 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 डिजिट के हैं, तो 1 को क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर हम पहुंच गए, इसका पहले वाला लिया था तो इसका आखिरी वाला लेंगे, तो 3 है तो 3 को भी 2 बार लिखेंगे, और इसका लास्ट वाला 9। ये है हमारा एलसीएम का आंसर,
1139 सवाल में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, बस उसी को पहचानना। अगर तुमने ये एक बार देख लिया तो तुम फटाफट आंसर लिख भी पाओगे, और अगर बाय चांस ये एमसीक्यू में आ गया तुम भाग भाग टिक करोगे, देखो ये 2 बार लिखा है, ये भी 2 बार लिखा है, और यहाँ पे 1 बार लिखा है, अगर तुमने एक भी बार मेरी वीडियो देखी है तो। ठीक है जी, तो चलो हम आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। कहाँ पे सीबीएसई ने तो अभी ये सवाल पूछना बंद कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि घसीटे मार दिए इसके, घसीटे राम फिल्म आई थी ना एक, तो सीबीएसई ने तो इसको घसीट दिया है बिल्कुल ही। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है ट्रेंडिंग में हरियाणा बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई में आ भी सकता है। सवाल नंबर 5 आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, तो देखो यहाँ पे गिवन एचसीएफ ऑफ, गिवन एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दे रखा है। कह रहा है फाइंड फाइंड एलसीएम ऑफ 306 और 657, 657 ये निकालना है हमको। ठीक है, तो वैसे तो इसका भी हमको आंसर डायरेक्ट याद करना है, पर देखो ये सवाल करेंगे कैसे, हमको पेपर में कैसे करना है, आंसर मैच कैसे करेंगे, जो हमको याद है और जो यहाँ से निकलेगा। सॉल्यूशन देख लो जिसका फटाफट भाग के, पेपर में ये 2 नंबर का सवाल आता ही आता है, किस्मत अच्छी होती है तो सीबीएसई में आ जाता है, तो हरियाणा बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है, तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों नंबरों की गुणा कराना आपस में। देखो एलसीएम, एलसीएम तो हमको निकालना है, एलसीएम तो निकालना है, तो एलसीएम की जगह तो एलसीएम ही लिखा रहने दो। एचसीएफ, एचसीएफ इन 2 नंबर्स का ये फर्स्ट नंबर होता है, यहाँ पे जब भी ऐसे लिखा हो पेयर में तो फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर होता है हमारे पास, और एचसीएफ देख कितना रखा है 9, तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ से 306 और 657, 306 तो है पहला नंबर और दूसरा नंबर है 657। अभी यहाँ गुना है मल्टीप्लाई है, तो उस साइड जाएगा तो भाग होएगा डिवाइड होएगा, 306 गुना 657, बार पानी पी लो रुक जा, हिचकी आ रही है। देखो जब हम इसको काटते हैं तो इसका आंसर आता है 22338, ये याद करना है डायरेक्ट ही, गुना करा लेना यही आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया हमारा 22338, आगे बात समझ में। तो चलो पिछले साल, पता नहीं पिछले या पिछले से पिछले साल, ये सवाल सीबीएसई में आ गया, सवाल यही है पर सवाल घूम गया, देखना क्या घूमा है बस। लिख ही देता हूँ जैसे आया वो, अगर हम इसको देखो यहाँ पे डायरेक्ट ये 1 नंबर में सवाल मौजूद था, यानी कि सोल्व करने की जरूरत है नहीं, आंसर लिखो और 1 नंबर पक्का करो अपना। ठीक है, उसने दे रखा था कि HCF दे दिया, क्या दे दिया HCF, सॉरी LCM दे दिया उसने, क्या 22338, यहाँ पे HCF पूछ लिया उसने, क्या पूछ लिया HCF पूछ लिया, जिस बच्चे को याद था कि 306 657 का LCM ही 22338 आता है, तो उसका HCF सवाल में क्या दिया होगा, HCF क्या दिया होगा सवाल में, 9 दिया हुआ था तो 9 ही आंसर लिख देता, तो डायरेक्ट 1 नंबर मिल जाता, और वो मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे 2-3 मिनट अपनी वेस्ट करोगे, तो इससे अच्छा है हम इस सवाल को याद रख लें, क्योंकि बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, नालायक से नालायक बच्चे को भी याद हो गया होगा ये कर करके। ठीक है, तो एलसीएम कर लेना इधर, एलसीएम अगर 22338 होता है, एचसीएफ 9 होता है उसके साथ, और वो 2 नंबर होते हैं 306 657, तो सवाल को उस साल ऐसे भी पलट सकता है कि ये 2 नंबर है, इस नंबर को एक्स दे देगा। ठीक है, जिसका एलसीएम दे रखा है 22338 और एचसीएफ दे रखा है 9, तो कहेगा सेकंड नंबर निकालो, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एक्स रख देंगे सेकंड नंबर की जगह, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड होकर हमारा आंसर निकल जाएगा कितना 657। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज की वीडियो से, ठीक है, मेरे को पूरी पूरी उम्मीद है।
तो बस मैं आपसे एक चीज़ मांग रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, ठीक है? अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख दे नीचे, ठीक है? उसको मैं देख के और कोई से ना कोई से ग्रुप में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रिविज़न क्लास 2 में। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर।